श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय माल लक्ष्मी की। दोस्तों, अचानक धन प्राप्ति के महाउपाय 1 रुपए से आप करें, यह उपाय आपने यदि कर लिया तो आप हो जाएंगे करोड़पति। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बहुत ही खास है और आपका स्वागत भी है। दोस्तों, विशेषकर वह लोग जो अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ती जा रही है, पैसे की समस्याएं बढ़ती जा रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूलखर्ची बहुत हो रही है, तो यह उपाय जो है आप भी अपने जीवन से अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं इस उपाय को करके। दोस्तों, अपनी जो गरीबी होती है, निर्धनता, कभी भी आपके घर पे लौट करके नहीं आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा अपने आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के से ये उपाय न केवल आपके जीवन में धन को लेकर आएगा बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और यह उपाय इतना सरल है कि यह उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज के इस वीडियो में उपाय होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत ही खास ये वीडियो होने जा रहा है। दिवाली का समय है और दिवाली के समय माता लक्ष्मी की हम पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन इस समय आपने ये टोटका कर लिया दिवाली के समय, तो फिर ये मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। तो ये देखो, 1 रुपए का जो उपाय है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और इस उपाय को आपको, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपको शत्रुओं से जो छुटकारा मिलेगा, और अगर आपके शत्रु हैं या फिर नज़र दोष आपके ऊपर लगी हुई है और बहुत ज़्यादा आपके नज़र दोष के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में उसके उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है। यह है दोस्तों रोग मुक्ति के लिए, मतलब कि आपको अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत दवाइयाँ आप उसको दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, और यह आप तब यह आप इस उपाय को आप करें। देखिए, आपको करना क्या है दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेकर के आपको 1 कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और जो 1 रुपए का सिक्का है, ये दोनों चीज़ें आपको रोगी के, जो भी रोगी व्यक्ति है जो कि रोग में बीमार पड़ा रहता है और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके सिराने पर आपको रख देना है। जहाँ भी वो व्यक्ति लेटता है, जहाँ भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिराने पर आपको ये 1 रुपए का सिक्का रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से कोसों दूर हो जाएगी, यानी आपके घर से बीमारियां निकलती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। और बहुत ही उत्तम उपाय है दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिनकी वजह से घर में धन की बर्बादी चलती रहती है, घर में धन नहीं आ पाता है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, तो दूसरा उपाय यह है जो अभी 1 रुपए के सिक्के से ही होने जा रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपका पर्स यदि खाली रहता है, धन से भरा नहीं रहता, कभी भी आपके पर्स में धन नहीं टिकता, यानी कि पैसा आता तो है लेकिन चला जाता है, पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा जब आप कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का उपाय यदि आपने कर लिया तो मैंने आपको बताया ना कि आपका जो पर्स है वो धन से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जीवन में लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनका पर्स सुबह तो पैसों से भरा रहता है, शाम को खाली हो जाता है, मतलब कि उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, अब इधर उधर कहीं भी पैसे गायब हो ही जाते हैं, मतलब कि खर्चा इतना ज़्यादा होता है, खर्चा इतना ज़्यादा उड़ जाता है कि पैसा जुड़ ही नहीं पाता। अब ऐसे लोगों के हाथों में से पैसा बहुत तेजी से चला जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों उनको 1 रुपए का सिक्का लेना है और इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है, आप इसे गंगा जल से भी धो सकते हैं, और उसके साथ साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी पीले रंग की कोड़ी आपको लेनी है, एक छोटी सी पीले कलर की कोड़ी आपको लेनी है, और पीले कलर की कोड़ी में आपको यह 1 रुपए का सिक्का और यह कोड़ी आपको अपने पर्स में रख लेनी है। हमेशा इसे अपने पास में रखें, फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे खींचा चला जाता है। दोस्तों, ये जो 1 रुपए का सिक्का और पीली कोड़ी होती है ना,
इसका एक विशेष महत्व होता है। दोस्तों कोड़ी समुद्र से उत्पन्न हुई है और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। इस कारण से कोड़ी जो है वो भी पीले कलर की कोड़ी, वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और माता लक्ष्मी जिस कोड़ी को पसंद करती है, वह कोड़ी यदि आप अपने पर्स में रखते हैं एक रुपये के सिक्के के साथ, तो दोस्तों आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, फिजूल खर्ची से आप बचेंगे और आपके घर में धन दौलत भरती चली जाएगी। आपका पर्स जो है कभी शाम को खाली नहीं होगा, फिजूल खर्ची की नौबत ही नहीं आएगी, आप फिजूल खर्ची से पूरी तरह से बच जाएंगे और आपका पर्स जो है धन से लगातार भरता चला जाएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा वर्ष में आता ही नहीं, पर्स हमारा खाली रहता है, या फिर हमारे भाग्य में शायद गरीबी और निर्धनता लिखी है, जो लोग धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो लोग इस उपाय को करेंगे तो एक रुपये का सिक्का जो ये उपाय है बहुत ही उत्तम है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि नज़र दोष का जो उपाय होता है और शत्रुओं को कैसे दूर करना चाहिए। शत्रु हमारे जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, अब जैसे गुप्त शत्रु भी होते हैं, दूसरे शत्रु भी होते हैं, वो भी हमारे आसपास बढ़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई या फिर उसके शत्रु पीछे पड़ गए, तो दोस्तों अच्छा खासा उसका जो पैसा है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में आपका कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो आपका गुप्त शत्रु भी हो सकता है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता और धन दोनों, मतलब धन, एक तो धन की बर्बादी और असफलता दोनों का कारण होते हैं। इसलिए आप बहुत प्रयास करते हैं जीवन में, है ना, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन हमेशा आप पीछे रह जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये उपाय आप कर लीजिए, नज़र दोष तो दूर होगी होगी, शत्रु भी दूर हो जाएंगे और उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, चार फूल वाली लौंग लेनी है और चार फूल वाली लौंग आपको कपूर के साथ आप अपने घर में किसी भी जगह जला दें। आप क्या करें, लौंग लें, कितनी लें, चार गिन के, लेकिन लौंग कौन सी होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, यानी पीछे जो फूल होता है ना, वो ऐसी लौंग आपको लेनी है और आपको घर के किसी भी कोने में कपूर के साथ उस लौंग को जला देना है। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं, तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट आपको देता है। या तो आप इसको मंगलवार के दिन करें या शनिवार के दिन करें, बहुत ही उत्तम और बहुत ही पावरफुल आपको ये रिजल्ट देगा। बहुत ही उत्तम होता है शनिवार और मंगलवार के दिन उपाय को करना। अब आप इस उपाय को करते समय जब आप लौंग और कपूर जलाएंगे, तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है। संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं आप उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए, और चार लौंग और एक कपूर को आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होते हैं वो जल जाएंगे, जलने के बाद उनकी राख को आपको अपने पौधों में, घर के बाहर पौधों में डाल देना है, घर के अंदर नहीं डालना, छत पे भी नहीं डालना, आपको घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकल कर किसी पौधों में इनमें डाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की जो राख होती है ना, वो घर में नहीं रखी जाती, तो आप इस उपाय को आप करेंगे, चाहे आपके नज़र दोष लग रहा हो, चाहे कोई ना कोई शत्रु ने आपके घर पर कुछ करवा दिया हो, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो कि नज़र दोष लगाती है, जो कि नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, वो घर से दूर हो जाती है। दोस्तों वास्तु दोष जो है वो घर से दूर हो जाता है और आपको जो पैसे की नज़र लग जाती है, किसी को बहुत सबको पैसों की नज़र लग जाती है, मतलब कि उनके पास बहुत पैसा होता है, उनका रहन सहन देख करके दूसरे व्यक्ति चलते हैं और दूसरे व्यक्तियों की उन पर नज़र लग जाती है, तो उनके पास कभी पैसा ही नहीं आ पाता, तो वो नज़र भी आपकी इससे दूर हो जाएगी। दोस्तों लौंग और कपूर, लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए काम में ली जाती है और कपूर जो है नज़र दोष के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय, आप सबको ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में शत्रु ने जो परेशान कर रखा है, नज़र दोष जो लगा रखी है, तो ये उपाय जो है आपका सही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो एक रुपये के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आपके जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक रुपये का सिक्का लेना है और थोड़ा सा आपको लेने हैं चावल। दोस्तों चावल कभी भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अक्षत चावल होने चाहिए। 108 दाने आप चावल की गिल लें और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक रुपये का सिक्का साफ करना है, है ना। आपको साबुन वाबुन से साफ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये गंगा जल से साफ करना है, लेकिन साफ सुथरा सिक्का होना चाहिए। और आप अब चावल, मतलब चावल में वो एक रुपये का सिक्का डाल दें, 108 चावल आपने गिने थे उसमें एक रुपये का सिक्का डाल दें। अब आपको अपने घर के मंदिर में ये रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने रखना है, देसी घी का दिया जलाना है, लंबी बाती का, देसी घी का दिया जला करके
इस चावल और सिक्कों को आपको महालक्ष्मी के चरणों में रख देना है। महालक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है ये दिया जला करके। मंत्र कौन सा है ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों और लिख भी लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये आपको 11 बार बोलना है दीपक जलाने के बाद। इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको माता लक्ष्मी हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा के लिए मेरे घर में ही रहिए, अपनी कृपा मुझ पर बना करके रखिए, इतनी कृपा आप मुझ पर कर देना। बस इतना कहने के बाद आपको इस तरह से जब आप पूजा करेंगे तो अगले दिन वह चावल यानी आपने जो अक्षत लिया और 1 रुपए का सिक्का आपको उठा लें, लाइक लाल कलर के कपड़े में इसे रखें और छोटी सी पोटली बना लें और धन रखने वाले स्थान पर जाएं कि आप जहाँ धन रखते हैं जैसे आपकी तिजोरी हो गया, आपका पर्स हो गया, वहाँ पर जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं ऐसी जगह वहाँ पर आपको रख देना है। दोस्तों यकीन मानिए आपका दिन प्रतिदिन धन बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे कि दोस्तों आपके जो जितनी भी तिजोरी या कहीं भी आप इसको रखेंगे वहीं के आप पैसा आता ही रहेगा, आता रहेगा, पैसा बढ़ता चला जाएगा, यानी पैसे की धन वर्षा आपके घर में होती रहेगी। तो दोस्तों इस को जरूर आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।